जेई मेंस का, उस पेपर में हमने देखा और मैंने उस पेपर को भी देखा है, एनालाइज किया। हमने देखा कि जिस दिन पेपर हो रहा था, पेपर के बाद बाहर कुछ जो मीडिया के लोग थे वो बच्चों से बात कर रहे थे, बच्चों को इंटरेक्ट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बेटा आपका पेपर कैसा हुआ। तो मैंने तीन चार बच्चों की इंटरव्यू सुने। हर एक बच्चे अपने अपने तरीके से आंसर दे रहे थे। कोई फिजिक्स को अच्छा कह रहा था, कोई केमिस्ट्री को अच्छा कह रहा था, कोई मैथ्स को अच्छा बता रहा था, कुछ कह रहे थे कि पेपर डिफिकल्ट था, कुछ का कहना था कि पेपर इजी था, और किसी का कहना था कि पेपर एवरेज था। तो हर एक बच्चे अपने अपने तरीके से तैयारी किए थे और उन्होंने अपनी अपनी राय मीडिया के सामने रखी, लोगों को बताए। लेकिन इन जो तीन चार बच्चों का जो मैंने इंटरव्यू सुना, उन सब में जो मैंने एनालाइज किया वो ये था, अंते हैं और एज़ कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट से वो थोड़े इजी होते हैं, जहाँ तक मैंने लोगों के इंटरव्यू सुने हैं। और मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैंने फिजिक्स को बड़े बारीकी से एनालाइज किया और मैंने देखा कि फिजिक्स आखिर बच्चों को डिफिकल्ट क्यों लगती है, बच्चे फिजिक्स के बारे में क्यों नहीं बात करते, बच्चे फिजिक्स को ईजी क्यों नहीं बताते, हमेशा फिजिक्स को एवरेज और डिफिकल्टी क्यों मानते हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो कॉन्सेप्ट से दूर रहते हैं। आज का जो हमारा यूथ है वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाई करना चाहते, कॉन्सेप्ट नहीं जानना चाहते। जब तक आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, उसका जो बारीकियाँ नहीं समझेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं समझेंगे, तब तक वो सब्जेक्ट आपको वीक नज़र आएगा। और जिसको आप हाई स्कोर कह रहे हैं, तो केमिस्ट्री, जैसे कि लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री इजी है, तो केमिस्ट्री आपके लिए इजी नहीं है, केमिस्ट्री सभी के लिए इजी है। केमिस्ट्री इजी कहने वाले स्टूडेंट की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपका रैंक जो है वो कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा। लेकिन जो फिजिक्स है, जिसको आप डिफिकल्ट कह रहे हैं, जिसको आप एवरेज कह रहे हैं, अगर आप उसकी तैयारी अच्छे से करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो आपकी अच्छी है ही, तो उसमें तो स्कोर आप करेंगे ही करेंगे जो करना होगा। लेकिन जिसको आप डिफिकल्ट मान रहे हैं कि फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते, फिजिक्स हमारे समझ नहीं आती, फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझिए, कि सर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, टीचर से मिलिए कि सर वो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट बनाइए कि सर बाद में करूँगा, कब करोगे सर, टाइम आएगा, आ गया, अब करो। आगे आपका आईआईटी का पेपर है, जेई मेंस का पेपर है, एडवांस का पेपर है, एम्स का पेपर है, नीट के पेपर आ गए और आपने तैयारी नहीं किया। तो केमिस्ट्री तो इजी है, आप मान रहे हैं, बायोलॉजी को आप मानते हैं, लेकिन फिजिक्स से डर जाते। फिजिक्स को आप तवज्जो दीजिए, फिजिक्स को आप पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स, मैं मानता हूँ कि फिजिक्स इज अ बैकबोन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से किया है तो आपको मेडिकल में भी हेल्प करेगा, वो आपको आईआईटी में भी हेल्प करेगा, हर जगह पे आपको वो हेल्प करेगा। और वो सिर्फ हेल्प ही नहीं करेगा, वो आपकी रैंक को ऊपर लेकर आएगा। लेकिन जिसको आप इजी बताते हैं, वो इजी बताने वाले संख्या बहुत सारे स्टूडेंट की होती है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने के कारण आपका रैंक जो है वो आपसे दूर चला जाएगा। और फिजिक्स को डिफिकल्ट बताने वाले संख्या ज़्यादा है, उसको डिफिकल्ट भी बताने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने उसमें मेहनत किया तो आपके रैंक को आपके पास लेकर आएगा, क्योंकि वहां पर डरने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे, और आपने उसके अगेंस्ट, आपने उसको अपोज किया, आपने उसके ऑपोजिट उस पर वर्क किया, उस पर काम किया, उसके स्टडी की,
उसकी पढ़ाई किया, न्यूमेरिकल्स किए, तैयारी किया आपने, तो जहां पर केमिस्ट्री आपको मार्क्स दे रहा था अब फिजिक्स भी वहां पर आ गया। अब दोनों अगर एक लेवल पर आ जाएंगे तो सोचिए आपका रैंक कहाँ चला जाएगा, आपकी रैंक बहुत ऊपर आ जाएगी और इस तरीके से आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे।